ये देखो ये वाला रूट बढ़िया है। अभी तो बड़ी मनाली 184 फिर आइए आप श्रीनगर में है। वाहेगुरु का खालसा वाहेगुरु। वो है हमारा 4 लेन हाईवे सैंड रोड रतन घाटी में आप सभी का स्वागत है। हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग सभी को। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30। बाइक पर सारा सामान माउंट हो चुका है, अब इसे कोस्टर करते हैं। शिवादेव प्रभात सभी को स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए मोटो व्लॉग पे। मोटो व्लॉग की शुरुआत फिर से हम शिमला की सड़कों से कर रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6 बज रहे हैं पूरे। जहू शिम शंभू। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं सुबह सुबह किस तरफ जा रहा हूँ। जी चंडीगढ़ तो बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ। चलिए सफर काफी लंबा है, बातचीत करेंगे और आपको हम बताएंगे आज के हमारे सफर के बारे में। सुबह सुबह शिमला की सड़कें काफी खूबसूरत रहती है, खाली खाली सड़कें, मस्त मौसम, सुहाना सा। सिरमौर की रानी, शिमला की दीवानी, वाह 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 वाह। मेरा सफर होने वाला है लगभग 200 किलोमीटर के आसपास। तिरछन वाले की तरफ जा रहा हूँ। जी हाँ अब यहाँ से जाएंगे मनाली की तरफ। मनाली अतोग रेलवे स्टेशन टूटू चौक से हम एग्जिट करेंगे शिमला। थोड़ा सा मैं सफर तय कर देता हूँ फिर मैं आपसे मिलता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड बने रहिए इस ब्लॉग में। A few moments later शिमला से काफी आगे आगे हूँ मैं। शालाघाट झालाघाट और नमहौल मैं तीनों स्टेशन पर क्रॉस कर लिया है। अभी टाइम हो रहा है 7:43। अभी तक का मतलब जो मैं रूट कर रहा हूँ अभी तक का सबसे बेकार वाला पैच मुझे ये लगता है, क्योंकि दालाघाट के बाद ट्रक्स ही ट्रक्स होते हैं और दालाघाट के आसपास की सड़कें भी इतनी अच्छी नहीं है। तंग रोड है और काफ़ी उबड़ खाबड़ है, फ्लक्चुएशन। मुझे लगा ना ये गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है उल्टा, बट फिर देखा कि रोड है ऊपर से। ये यहाँ पर दिक्कत देखो, एक तो है तो चौड़ी रोड बट ट्रक बड़े बड़े है ना, फिर उस हिसाब से तंग है रोड। अब ट्रक भी चलते हैं काफ़ी स्लो तो बहुत इशू है। जैसे मैं घाघस क्रॉस करूँगा उसके बाद थोड़ा अच्छा रूट आएगा। शिमला से लगभग 70-75 किलोमीटर की राइड हो चुकी है अभी तक। नहीं है ओहो की हो रहा है, की कर रहे हैं उस्ताद जी। अच्छा जनानी नू सवारी दे रहे हैं। मनाली 184 बिलासपुर 15 तो बिलासपुर होके तुम नहीं जाएंगे। आठ बज रहे हैं तो ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, क्योंकि फिर दिन में तो खा नहीं पाऊँगा गर्मी में, तब मैं फिर जूस पी लूँगा खाने नहीं। अगर देखते हैं आगे कहीं अच्छा सा ढाबा मिलता है तो जहाँ पर छाँव छैली हो। छैली छैली हमारा शब्द है छाँव के लिए पहाड़ी भाषा में। थोड़ा पहले आगे चलते हैं, कुछ अच्छी जगह मिलती है तो रुकते हैं, नहीं तो सफ़र में सड़क के साथ चलते रहेंगे। देखो गड्ढे गड्ढे आ जाएंगे मनाम नाम से। इंडिकेटर दिया है मुझे या फिर बंद करना भूल गया ये। आगे तंग रोड। ओह भाई सूख गया पूरा पानी, नदी गायब। कितनी गर्मी है यहाँ पर।
ਵੇਖੀ ਸਮਾਈਲ ਜੇ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਐਲ ਪੀ ਤੇ ਮਾਰ ਮੁਟਿਆ ਰੇ ਵਾਹ 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 ਯਾਰ ਉਰਦੂ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਵਾਹ ਯਾਰ थैंक यू अंकल जी चलो इस वक्त मैं पहुंच गया हूँ कोल डैम मेरे सामने आप देख सकते हो ये है सीमेंट फैक्ट्री स्वागत है आप सभी का मुस्कुराइए आप सिंह नगर में है टाइम हो रहा है 8:48 इससे पहले भी मैं फोर लेन में आया फोर लेन जो कि मनाली के लिए बन रहा है ऑलमोस्ट कंप्लीट है वो वहीं पर रास्ते में मैंने फ्यूल अप भी कर दिया अपना मुझे कोई टेंशन नहीं है तो ये है हमारा सुंदर नगर बाकी एज सच अभी तक मैंने कोई ब्रेक लिया नहीं अभी सोचा तो मैंने कि सुंदर नगर पहले आने से पहले मैं ब्रेकफास्ट कर लूँगा पर वो हुआ नहीं पॉसिबल क्या मन ही नहीं किया रुकने का वैसे मुझे पर्सनली सुंदरनगर काफ़ी पसंद है मैं कभी रहा नहीं सुंदरनगर में सुंदरनगर बस स्टैंड तो यहाँ से थोड़ा सा यू टर्न लेते हैं ताकि तो ज़रा देख लिया हम भी क्या है दिन देख का नाइस ये है नज़ारा कुछ थोड़े फोटो शूट्स करते हैं यहाँ पे बाइक के यहाँ पे रुक गया सो ये हम पहुँच गए हैं सुंदरनगर 9 बजे सुबह के और यहाँ पर जैसी गर्मी 10-11 बजे शिमला में होती है उतनी है यहाँ पे मैं 5-10 मिनट रुका मंडी की तरफ और आगे देखते हैं कहाँ पर हमारा बस स्टॉप भी होता है मंडी के बाद हम जाएंगे और गाँव से आगे जाएंगे आपसे अब मंडी में लीजिए दोस्तों मंडी ने हमारा स्वागत किया है ट्रैफिक के साथ हाफ लव ना सिर्फ सिटी राइड्स के लिए अच्छे लॉन्ग राइड्स के लिए इतने कंफर्टेबल नहीं है ये इस तरफ को मंडी सारा बाजार शहर पर हम मंडी की तरफ नहीं जाएंगे आज ये है मंडी बस स्टैंड आई स्पीटी मंडी गर्मी चलो वाहेगुरु का खालसा वाहेगुरु की फतेह पंडो बाजार मणिकरण 72 ये रास्ते जाता है बगला मुख्य मंदिर ऐसा नहीं पता कुछ यहाँ से ऊपर गिरी शहर जाओ सामने आप सभी देख सकते हो पंडो डैम
बिल्कुल पानी पूरा मटमैला है। वो दूर ऊपर कहीं पे आग भी लगी है जंगलों में। आग की समस्या ही सब जगह ही है, शिमला में भी है, यहाँ पे भी है, सब जगह ही कार में ये समस्या है इसके। ओ नो भाई, देख लिया मैं तो ढूंढ रहा था भाई ये फॉर्च्यूनर बसेस। अच्छा अच्छा भाई जी की बस खराब हो गई है, इनका इंजन पीछे होता है ना। चलो चलो भाजी, नहीं चलना तो फिर आप छठी तो फिर आगे पंडोर से आगे पहुंच गया हूं, और वो है हमारा 4 लेन हाईवे। अभी हम उसी टनल से जाएंगे, मैं आपको सारे व्यूज चेक करवाऊंगा कैसी है टनल क्या है, और अभी मैं यहां पहुंच गया हूं। बहुत ही प्यारी सी लोकेशन, फोटो शूट किया मैंने थोड़ा यहां पर, और यहाँ साथ में कच्चा पुल भी है सामने, अगर दिख रहा है आपको तो वहाँ पे भी जा सकते हैं, पर अभी मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ क्योंकि फिर मैं आगे के लिए लेट जाऊँगा। और ये जो नया पुल बना है, और यहाँ से मेरे को लेना है ऊपर के लिए डाइवर्जन, जो कि मुझे वो जो दो टनल है इनको क्रॉस करना है। इन टनल की वजह से नीचे वाला सारा रूट बाईपास हो गया है, ये रूट जाता था आपका हनुकी मंदिर के लिए। तो चलते हैं अब यहाँ से, ये 11th नंबर की टनल है। इसका मतलब है कि इससे पहले यहाँ पर और लगभग 5 किलोमीटर की टनल है। वैसे स्पीड लिमिट 50 है, बट 50 मेंटेन नहीं हो पा रही है, ये खुद ही जा रही है ज़्यादा। टनल नंबर 12, ये टनल के बाद एक अलग ही दुनिया। ऐसा नहीं लगता है कि हम मध्य प्रदेश में हैं, तो लगता है कहीं बाहर फॉरेन कंट्री में घूम रहे हैं। इतना अच्छे लेवल का जो है डेवलपमेंट हो गया है। नंबर 13, ये मे बी लास्ट वन की। थलौट पहुंच गया हूँ, और से 2 किलोमीटर पहले स्टेशन आता है थलौट, और यहाँ पे काफी खूबसूरत सा मंदिर है जो मुझे जाना है कीर्तन वैली की तरफ बंजार। तो मैं टनल के अंदर नहीं जाऊंगा, मैं लूंगा यहाँ से राइट। ये हमें अभी लाची डैम के ऊपर, सैंज व कीर्तन घाटी में आप सभी का स्वागत है। जी ये हम पहुंच गए सैंज, ये हम पहुंच गए लारजी। यहाँ से जो ओके दोस्तों, अब मैं आपसे मिलता हूँ बंजार में। काफी खूबसूरत लग रहा है, पेड़ भाव यार कैसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ से आगे का सफर अब लगभग मुझे सिर्फ 10 किलोमीटर का रह गया। शिमला से लगभग 200 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद इस खूबसूरत सी वैली में मैं पहुंच गया हूँ। ऊंचा होम हिमाचल प्रदेश को देवभूमि ऐसे ही नहीं कहा जाता।